Hello everyone, welcome back. So in this topic we will discuss about nucleophilic substitution reaction and their mechanism, SN1 and SN2. Okay, now this chapter is a topic of haloalkane and haloarene. A chapter in our class 12th chemistry, it is a part. And this part is very important. So that's why I have taken it today. ओके नाउ तो एक्चुअली मेरा मेन मकसद है आपको मैकेनिज्म समझाना, बट अगर मैं आपको डायरेक्ट मैकेनिज्म बताने लग जाऊंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि अगर आपको पीछे का बेसिक नहीं पता तो आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ नहीं आएगा. तो हम एक काम करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली है क्या, ओके, और फिर हम उनके मैकेनिज्म से चलेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके सो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब है. देखिए न्यूक्लियोफिलिक क्या होते हैं पहले आप समझिए. न्यूक्लियोफाइल ऑर्गेनिक के अंदर ऐसी स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, ठीक है. अब क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ये किस पे अटैक करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट साइड पे. तो न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज हैं, ऐसे केमिकल स्पीशीज हैं, ये न्यूट्रल हो सकती हैं या आयनिक भी हो सकती हैं. बट मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ये रिच होनी चाहिए, अमीर होने चाहिए. तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है. एंड पहली बात इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, दूसरी बात अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, वहाँ अटैक करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि खुद बहुत रिच है. रिच कभी भी ऐसी जगह पे अटैक नहीं करेगा जहाँ पे रिच है, क्योंकि ऑब्वियसली अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, है ना. तो क्योंकि खुद रिच है तो ये डेफिशिएंट साइट पर अटैक करेंगे. नाउ एक बात हो गई, दूसरी बात सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से रिप्लेस हो जाती है, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अदर, ओके. तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शन जहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ, क्योंकि हम मैकेनिज्म में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं उसको लिख दे रही हूँ यहाँ पर. सपोज कीजिए आपके पास है आरएक्स. आरएक्स का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, आर मतलब एल्किल, एक्स मतलब हैलाइड. तो ये आपके पास एक एल्किल हैलाइड है. आपको पता है एल्किल हैलाइड पोलर होते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, है ना. और आर क्या है, आर में कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट. तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इसके कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. तो क्योंकि एक्स पे एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल कैरी पार्शियल नेगेटिव एंड अवर कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव. ये हमारा एक एल्किल हैलाइड हो गया. मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई और आप न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं जैसे OH नेगेटिव. अब आपको सोचिए कि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं. हाँ है, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव का मतलब ही होता है कि एक्सेस है इलेक्ट्रॉन की. और एक बहुत सिंपल सा फंडा है, आपको बहुत बार काम आएगा, क्या कि आप ऐसे याद रखो N फॉर नेगेटिव, N फॉर न्यूक्लियोफाइल. मतलब न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव होते हैं, सॉरी नेगेटिव आयन हमेशा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है. चलो तो OH नेगेटिव एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है. और ये अब आप खुद सोचो कि ये न्यूक्लियोफाइल अगर किस पे अटैक करेगा, R पे भी X पे. देखो ये खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, तो ये X पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि रिपल्शन आएगी. तो नेगेटिव हमेशा कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव. तो ये हमारे आर पे अटैक करेगा और एक्स को बाहर निकाल देगा. क्यों क्यों बाहर निकला एक्स, देखो कार्बन के पास ऑलरेडी चार बॉन्ड है. अगर आप OH के साथ उसका एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाते हो तो पांच बॉन्ड हो जाएंगे, वो पांच बॉन्ड क्यों बर्दाश्त करेगा. तो इसलिए एक को तो बाहर निकलना ही होगा फाइनल में, ठीक है. तो आपको मिलेगा ROH प्लस एक्स नेगेटिव. अब यहाँ से ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्किल हैलाइड है और ये हमारा लीविंग ग्रुप है जो लीव कर गया. पर ये लीविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे न्यू न्यूक्लियोफाइल ने, मतलब जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है उसने पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, अटैक किया पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह आकर बैठ गया. तो यहाँ क्या हो रहा है, इसने पुराने वाले ग्रुप को हटा दिया, तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशन हो गई. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरा आ जाना, रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर, ठीक है. इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ, ऐड तब होता कि जब ये वाला ग्रुप भी यहीं रहता तो कुछ नया चीज़ ऐड हुआ है, मगर यहाँ पे बेचारा यहाँ नहीं रहा, ये निकल गया. तो
यानी कि सब्स्टिट्यूशन है, और क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल की है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछें कि व्हाट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इट इज़ अ रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूट बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। ओके, ऑब्वियसली जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल से जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तभी तो उसको निकाल पा रहा है। आप इस सिचुएशन को ऐसे समझो कि सपोज कीजिए किसी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ पहले से ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मगर आप जो उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे हो, तो कंपनी क्या करती है, पहले वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को निकाल देती है और आपको रख देती है, ठीक है। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन हुई है, एक की जगह दूसरा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको कहेंगे, इस रिएक्शन को। ओके, अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म पे। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर हेलोएल्केन और हेलोरीन पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिकली एल्किल हैलाइड स्टडी करेंगे, और मैकेनिज्म इसके दो टाइप के होते हैं। SN2 मैं पहले लिख रही हूँ और SN1। ओके, अगले टॉपिक में, अगले उसमें इसको स्लाइड में इसको डिकोड करते हैं कि SN2 और SN1 है क्या और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। चलिए, देखिए SN2 यहाँ पे S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 2 मतलब बायोमोलिकुलर। अब ये बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा, तो मैं इसे दोबारा पढ़ूंगी, ठीक है, जब आपको मैं मैकेनिज्म समझा दूंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी एक रिएक्शन लिखते हैं, ये हमने ले लिया कोई CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड है और हमारा रिएक्टेंट है बेसिकली। OH हमारा एक कोई न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। एक बार पोलैरिटी लेकर आते हैं, देखिए अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं ना तो पोलैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना पोलैरिटी के आप अटैक कैसे कराओगे, है ना। तो पोलैरिटी का मतलब है कि आप चार्जेस लेकर आओगे इनके ऊपर, पार्शियल चार्जेस। तो कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन विल कैरी पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव। अब मैंने आपको भी बताया कि न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, क्योंकि खुद नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पे अटैक क्यों करेगा, तो ये हमारे पॉजिटिव पे अटैक करेगा, मतलब हमारे कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। नाउ अब होता क्या है मैकेनिज्म के अंदर, हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। अब SN2 में क्या होता है, देखिए कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, तो बेसिकली इसके पास 4 बॉन्ड है ना। तो जब OH इस पे अटैक करता है कार्बन पे, तो OH और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है, बनने लगता है, और कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटने लगता है। पर देयर इज अ ट्रिक, देयर इज अ थिंग, क्या कि चलो इन तीनों हाइड्रोजन को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने ना ऐड होना है ना निकलना है, ये तो ऐसे कैसे हैं। देखिए, ये जो क्लोरीन है ना, ये पूरी तरीके से ब्रेक नहीं होता, इसमें मैंने डॉट 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 लगाया, इस डॉट 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 का मतलब है कि बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, बट होने वाला है, इन प्रोसेस में है। तो ये ऐसी स्टेज है कि बॉन्ड ब्रेक होने वाला है बट अभी कम्प्लीटली नहीं हुआ, इसको बोलेंगे ब्रेकिंग। तो ये ब्रेकिंग कर रहा है अभी, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ OH ने भी कार्बन पे अटैक किया, तो OH और कार्बन का बॉन्ड अब और स्ट्रांग होगा, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बन गया है, तो कम्प्लीटली नहीं बना, फॉर्मेशन की कगार पे अभी है, फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोलेंगे फॉर्मिंग। तो ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग, ठीक है। इस स्टेज में अगर आप देखो तो कार्बन के 5 बॉन्ड हैं, 3 तो यहाँ है, 4, 5, ठीक है। तो ये स्टेट हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, पर इस स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड है, तो हाईली अनस्टेबल स्टेट है, और इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब है कि जो आपका अभी मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीट नहीं हुआ, कम्प्लीटली नहीं बना, वो ट्रांजिशन में है अभी, इन बिटवीन है, यानी कि थोड़ी देर बाद जो जिसने टूटना है वो कम्प्लीटली टूट जाएगा,
और इसने फॉर्म होना है वो कम्प्लीटली फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा देर तक हाईली अनस्टेबल स्टेट है, ज़्यादा देर तक तो रहेगी नहीं, हाईली अनस्टेबल। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये मॉलिक्यूल स्टेबल होने के लिए अपना बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक कर देगा और उसको कम्प्लीटली फॉर्म कर देगा। तो आपको मिलेगा CH3OH, ये बॉन्ड अब कम्प्लीट बन गया। तो मैंने इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और जो हमारा Cl है क्लोरीन लिविंग ग्रुप, वो कम्प्लीटली लीव कर गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखो तो सारा मैकेनिज्म एक ही लाइन में हुआ है, इसमें हमने दूसरा स्टेप यूज़ ही नहीं किया, एक स्टेप में हो गया। तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, अटैक बैक साइड से होता है, ठीक है। अभी मैं लिखवाऊंगी पॉइंट वैसे, न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बन पे अटैक करेगा और हमारे न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा, मगर वो एग्जैक्टली एकदम से फॉर्म नहीं हो जाएगा, एक स्टेट आएगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, यानी कि ब्रेकिंग करने लग जाएगा, और एक टाइम पर आकर जिसने बनना है वो पूरी तरीके से बन जाएगा, जिसने टूटना है पूरी तरीके से टूट जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है याद रखने वाले, देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बैक साइड से होता है। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक टेक प्लेस फ्रॉम बैक साइड। आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों होगा, पर ऐसा ज़रूरी है, ऐसा ही होता है ना। तो आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों बैक साइड से अटैक करता है, फ्रंट से उसको क्या समस्या है, सोचो। ओके, अगर आपने सोच लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए OH पे क्या चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। हमारा न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल के पास तो पहले से ही न्यूक्लियोफाइल है, Cl भी तो न्यूक्लियोफाइल है, ये लिविंग ग्रुप है वैसे, बट है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से ही तो रिप्लेस होगा। ये बेचारा थोड़ा सा कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए भाग गया। देखिए OH एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन है, एनायन है ना, और क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अगर कुछ फ्रंट से अटैक करेगा तो उसको क्लोरीन को फेस करना पड़ेगा, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। तो अगर OH यहाँ होता है नहीं, अगर OH यहाँ होता तो उसको किसको फेस करना पड़ता, क्लोरीन को फेस करना पड़ता, और क्लोरीन उसको कभी भी अपने नज़दीक नहीं आने देता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। ओके, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल ने क्या सही समझा कि भाई काम करते हैं, पीछे से अटैक कर लेते हैं, आगे से तो चांस नहीं है कोई, क्योंकि क्लोरीन जो है उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल अटैक टेक प्लेस फ्रॉम बैक साइड, क्योंकि बिकॉज फ्रॉम फ्रंट साइड न्यूक्लियोफाइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट एंड इट विल रिपेल इट। ओके, तो पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट कि जो रिएक्शन होती है ये एक ही स्टेप में हो जाती है, कोई दूसरा स्टेप यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, ये वन स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए इसको कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। देयरफॉर SN2 रिएक्शंस आर कंसर्टेड रिएक्शन, मतलब एक स्टेप में हो जाए, जो वन स्टेप में हो गई, दूसरे स्टेप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तीसरी बात देखिए, इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो ये बीच में क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब आप ट्रांजिशन स्टेट को कैसे डिफाइन करोगे, देखिए ट्रांजिशन स्टेट कार्बन के लिए तो वही होगी जहाँ पर कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन के 5 बॉन्ड होते हैं पहली बार, और देर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड बेसिकली, वन बॉन्ड इज इन फॉर्मिंग स्टेट एंड अनदर वन इज ब्रेकिंग स्टेट। तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज अ मेन पॉइंट इन ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मेन पॉइंट है क्या, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। वरना आपने कभी ऐसा मॉलिक्यूल देखा है जहाँ पर बॉन्ड टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है, नहीं ना, ट्रांजिशन स्टेट में ही पॉसिबल होता है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, देखिए क्योंकि रिएक्शन एक ही स्टेप की हो रही है, तो अगर आप इसमें रिएक्टेंट में देखो तो रिएक्टेंट में आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है और एक रिएक्टेंट जिस पर अटैक होना है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो स्पीड ऑफ रिएक्शन, देखिए जनरली जो स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है ना वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। तो
रेट जिसको कहते हैं हम, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है तो आपको रेट के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, पर मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपैंड हो जाएगा, है ना। तो हम अपने ऑर्गेनिक में ही रहते हैं, पर रेट का आप सिंपल मतलब समझ लो कि रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट स्पीड ऑफ रिएक्शन बताता है, और रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन के, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नाउ यहाँ पर रिएक्टेंट कौन कौन है? एक हमारा न्यूक्लियोफाइल और एक हमारा अल्किल हैलाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसनट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, RX, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको RX कह सकते हैं। तो रेट यहाँ पे किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है? दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल और RX। क्योंकि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये बायोमोलिक्यूलर है। बायोमोलिक्यूलर का सिंपल सा मतलब ये हो गया कि रेट डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल। इसीलिए जब स्टार्टिंग में हमने लिखा है SN तो साथ में टू लगाया है। टू का मतलब है कि ये जो रिएक्शन है ये दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, बायोमोलिक्यूलर। तो बायोमोलिक्यूल क्यों आएगा? बिकॉज रिएक्शन डिपेंड ऑन टू रिएक्टेंट या टू ग्रुप या टू रिएक्ट, बेसिकली टू रिएक्टेंट लिख सकते हैं आप। ओके, और बायोमोलिक्यूलर के लिए हम इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो टू है, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, एक न्यूक्लियोफाइल पे और एक हमारे अल्किल हैलाइड पर। ओके, नाउ अच्छा, तो रेट जो है वो इसका न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, RX पे भी डिपेंड कर रहा है। एक और बात देखिए, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट है बेसिकली हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो बैक साइड से अटैक कर रहा है तो जुड़ेगा भी बैक साइड से, क्योंकि अटैक भी बैक साइड से कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो वो इसने बैक साइड से अटैक किया और फाइनल में वो किस साइड है? बैक साइड ही है। अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को कंपेयर करो, CH3 पहले भी था अभी भी है, कोई चेंज नहीं आया। क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे OH न्यूक्लियोफाइल है। रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल किस साइड है? इस साइड को क्या कहते हैं? राइट साइड। तो अभी रिएक्टेंट में न्यूक्लियोफाइल राइट साइड में। अब आप प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में न्यूक्लियोफाइल किस साइड है? लेफ्ट साइड। यहाँ पे मतलब लेफ्ट उल्टा साइड हो गया बेसिकली, है ना। तो लेफ्ट साइड है, जबकि यहाँ पे कहाँ था? राइट साइड में था। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल पहले था अब उसकी अपोजिट साइड आ गया। अब आप बोलोगे यार आप कंपेयर कैसे कर सकते हो, यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल ही चेंज हो गया। तो अरे न्यूक्लियोफाइल तो चेंज होगा ही, रिएक्शन हो रहा है, वही न्यूक्लियोफाइल थोड़ी दोबारा आ जाएगा। हमारा मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, द पॉइंट इज कि न्यूक्लियोफाइल जो भी हो उसकी साइड चेंज हो गई है। पहले न्यूक्लियोफाइल राइट में था कोई न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट में आ गया। तो इस चीज़ को कहते हैं कि भाई इन्वर्जन हो गया, इन्वर्ट हो गया हमारा मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देयर इज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। डिटेल में तो ये हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो मैं इसको आपको शॉर्टकट में समझा रही हूँ। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गई, यानी कि अब हमारा रिएक्टेंट, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ गया। और क्यों जुड़ा अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि उसने बेचारे ने अटैक ही बैक साइड से किया था। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता तो वो वहीं जुड़ता जहाँ पे क्लोरीन था, पर ऐसा हो नहीं सकता, फ्रंट से अटैक नहीं हो सकता क्योंकि क्लोरीन उसको खा जाएगा। कि उसको आने नहीं देगा, है ना, उसने नेगेटिव रिपेलिचर दे। तो न्यूक्लियोफाइल ने फिर इसलिए बैक साइड से अटैक किया है, तो उसको कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। होप्स आपको समझ आ गया। अच्छा, लास्ट पॉइंट है इसके अंदर। ओके, सो लास्ट पॉइंट इज देखिए, हमारा न्यूक्लियोफाइल हमारे कार्बन पे अटैक करता है। अब आप खुद सोचो, कार्बन के और भी तो बॉन्ड है। अगर वहाँ पे अभी इन बेचारों पे तो खैर हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन बहुत छोटा सा ग्रुप होता है, अगर हाइड्रोजन का कोई बल्कियर ग्रुप लगता तो क्या लगता है आपको, न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाता कि नहीं? इसके लिए मैं आपको एक बात समझा देती हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक बार मैंने लिखा भी कार्बन के पास हाइड्रोजन हैं और क्लोरीन तो खैर है ही, और एक बार मैंने लिखा कि कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप्स हैं। तो दो सिचुएशन ले रखी हमने, आपको बताना है कि कहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा अच्छे से अटैक करेगा। हमारा OH नेगेटिव यहाँ ज़्यादा से अच्छे अटैक करेगा कि यहाँ? सोचो। देखो
अगर आप ओएच को कार्बन से पे अटैक करना है, और बेचारे को वैसे भी बैकसाइड से करना है क्योंकि उसे आगे से तो कोई आने नहीं देगा, अगर आपके पास एक ग्रुप बल्की हुए, कार्बन पे जो ग्रुप लगे, अगर वो बल्कियर हुए तो अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन को शील्ड कर लेंगे, ढक लेंगे, है ना। तो अगर वो ढक लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल बेचारा कहाँ से अटैक करेगा, नहीं कर पाएगा ना, और रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अच्छा, जितनी ज़्यादा बल्कीनेस होती है कार्बन के अराउंड, हमारे जिस पे अटैक होना है कार्बन पे, उसके अराउंड जितने बल्कियर ग्रुप लगे होंगे, हैवियर ग्रुप लगे होंगे, हम कहेंगे कि उतनी ज़्यादा क्राउडिंग है। तो देर इज़ मोर क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब भीड़, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी है। तो ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी तो अटैक कैसे करेगा वो? अच्छा, तो जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी अटैक उतना डिफिकल्ट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टिविटी है हमारे एल्किल हैलाइड की, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्राउडिंग के। यानी कि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि वो अटैक ही नहीं कर पाएगा। अब आप सोचो कि हमारे पास तीन टाइप के एल्किल हैलाइड हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा जिसमें एक कार्बन लगा है फर्दर, 2 डिग्री होगा जिसमें दो कार्बन लगे हैं, 3 डिग्री जिसमें 3 कार्बन लगे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। इनफैक्ट देखिए, आपके पास है CH3CL। अब आपने एक जगह मिथाइल लगा दिया और बाकी जगह हाइड्रोजन रखे। इसके तो बेचारे की कोई डिग्री नहीं है, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल क्लोराइड। ये आपका 1 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे हुआ कि अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे 1 डिग्री कहते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है? जिस पर ग्रुप लगा होता तो है उसको अल्फा कहते हैं, जिस पर अटैक होना है ना। तो इस पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री है। यहाँ पे दो कार्बन लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हुए हैं तो इट इज़ 2 डिग्री, और यहाँ पे तीन लगे हुए हैं तो ये 3 डिग्री का हुआ। हो सो आपको डिग्री के बारे में पता हो, वरना आपने प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आइसोनियो सेकेंडरी टर्शियरी, उसमें मैंने डिग्री को थोड़ा और डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, नाउ सबसे ज़्यादा कम क्राउडिंग का है, सबसे कम क्राउडिंग का है यहाँ पर। यहाँ तो बेचारे पे कोई ग्रुप ही नहीं है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी बढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक ही बल्कि ग्रुप है ना, तो उसके बाद इसका नंबर, यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप है, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे तीन बल्कि ग्रुप है, तो देर इज़ 1 बल्कि ग्रुप, 2 बल्कि, 1 बल्कि ग्रुप, 2 बल्कि ग्रुप एंड 3 बल्कि ग्रुप। तो बल्कि ग्रुप ज़्यादा होंगे तो क्राउडिंग ज़्यादा होगी। इन शॉर्ट, जो रिएक्टिविटी है वो ऐसे है, CH3Cl की सबसे, CH3X की सबसे कम, ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब आप इस तरफ चलते हैं तो क्राउडिंग इंक्रीजेस, क्राउडिंग बढ़ती है, देयरफॉर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर वी फॉलो इन SN2। अब चलते हैं अपने SN1 पर। कि SN1 का मतलब होता है, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, और 1 मतलब यूनिमोलिकुलर। अब आप खुद समझ गए होंगे कि बायोमोलिकुलर का मतलब होता है कि रिएक्शन दो रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है ना। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होता होगा कि रिएक्शन हमारी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो वो कैसे डिपेंड कर रही है, इसके लिए तो आपको मैकेनिज्म ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे SN1 के अंदर ना हमारे पास दो स्टेप होते हैं, Step 1, Step 2। Step 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ओके, तो इसमें क्या होता है, सपोज कर आप रिएक्टेंट ले लेते हो, कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले लिया, ठीक है, इस अवर रिएक्टेंट। अभी न्यूक्लियोफाइल नहीं आता,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. SN1 में SN2 में पहले ही न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, या न्यूक्लियोफाइल नहीं आता, सिंपली रिएक्टेंट बैठे बैठे ब्रेक हो जाता है. अब कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? वही ले जाएगा जो ज़्यादा लालची है, क्लोरीन ज़्यादा लालची है ना. ये स्टेप स्लो होता है. अब स्लो स्टेप्स का फ़ायदा नुकसान क्या मतलब है इस बात का, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. तो अगर ये क्लोरीन चला जाता है तो यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड रह जाएंगे, बेसिकली हमें कार्बो कटायन मिलेगा. कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्लोरीन कन्वर्ट हो गया सीएन नेगेटिव में. अब कार्बन क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसको मिले ही नहीं बॉन्ड के, तो कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. और कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बो कैटायन. ओके, इंटरमीडिएट होता है ये, कार्बो कैटायन इंटरमीडिएट रिएक्शन के इन बिटवीन बनते हैं और फिर ब्रेक हो जाते हैं. इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फ़र्क है. ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग स्टेप इकट्ठे हो रहा होता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो बॉन्ड कम्प्लीटली ब्रेक हो गया. तो यू कैन नॉट से कि इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट, इट कैन नॉट बी ट्रांजिशन स्टेट. ओके, इट इज़ अ इंटरमीडिएट, सिंपली इंटरमीडिएट. नाउ दिस इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. ये कार्बोकैटायन. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. देखिए ये जो कार्बोकैटायन होता है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है, अगर आपको पता हो तो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. अब हमारे पास टोटल पी ऑर्बिटल होती है 3, 3 में से 2 तो उसने हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ कर दी, बाकी तीसरी पी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, एम्प्टी है, वेली बैठी है. तो दिस इज अवर एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ ड्रॉ की है. अब sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन sp हाइब्रिडाइज होता है और प्लेनर होता है. और ये जो p ऑर्बिटल है ये अबव एंड बिलो द प्लेन है. ओके, नाउ तो अब हमारा जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, वो किसी भी साइड से कर सकता है क्योंकि उसको न्यूक्लियोफाइल का कोई डर तो है नहीं, न्यूक्लियोफाइल तो आपने पहले भगा दिया. ठीक है, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो, सपोज़ कीजिए हमारा OH नेगेटिव अटैक कर रहा है, तो वो कहीं से भी कर सकता है. या तो वो इस साइड से करे, फ्रंट साइड से, या वो बैक साइड से करे. पहले बैक से क्यों कर रहा था? क्योंकि पहले उसको न्यूक्लियोफाइल फेस करना पड़ रहा था आगे से, तो बेचारा पीछे से आया. पर अभी कोई डर ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कहीं है ही नहीं, वो तो पहले ही निकाल दिया आपने, तो फ्रंट साइड से भी अटैक. और जो पी ऑर्बिटल है उसकी लोब दोनों साइड होती हैं, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी, बेसिकली इट इज़ अबव एंड बिलो द प्लेन. तो OH इधर कैन अटैक फ्रॉम दी OH और एनी न्यूक्लियोफाइल. इनफैक्ट OH कैन इधर भी अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड और फ्रॉम द बैक साइड. देखिए अब आपको सोचिए कि अगर फ्रंट से अटैक होता है तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, इफ फ्रंट अटैक. अगर अटैक फ्रंट से होता है तो OH आपका फ्रंट पे आएगा और आपको मिलेगा कार्बन, उस पर जो 3 ग्रुप लगे हुए हैं, और OH ग्रुप. तो अगर ऐसा हुआ, पॉसिबिलिटी हुई, तो आपका पहले न्यूक्लियोफाइल जहाँ था आपका अब न्यूक्लियोफाइल भी वहीं रहेगा, है ना. पर दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ़ बैक अटैक. अगर ऐसा होता है तो आपका OH बैक से आएगा, यानी कि यहाँ से. अब आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई ये तो आपने पॉसिबिलिटी बताई है, एक्चुअली आप बताओ कि फ्रंट से आएगा कि बैक से आएगा. तो द आंसर इज़ कि ये प्रोबेबिलिटी 50-50% है ऑलमोस्ट. कुछ और फैक्टर होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, 50-50 हमेशा नहीं है हो, बट द चांसेस आर कि हाँ देर बोथ पॉसिबिलिटी इज़ पॉसिबल. ओके, तो फ्रंट से भी आ सकता है, बैक साइड से आ सकता है, तो आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा. मतलब उसकी मर्जी है कौन सा मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है. ठीक है, तो आपको मिक्सचर मिलेगा. अब आप एक मुझसे बात पूछ सकते हैं कि आपने SN2 में कहा था कि इन्वर्जन होगी, क्यों इन्वर्जन होगी? इन्वर्जन कब होती है? जब आपका जहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है पहले, वो अब अपोजिट साइड में लग जाए. जैसे क्लोरीन यहाँ पे था पर आपका OH बैक साइड में आ गया, तो आप उसको इन्वर्जन कहते हैं. अब यहाँ पे तो इन्वर्जन हो रही है, इस यहाँ पे इन्वर्जन हो रही है पर यहाँ पे तो नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोले? देखिए एक जगह पे इन्वर्जन हो रही है, एक जगह पे इन्वर्जन नहीं हो रही, तो इसको कहेंगे कि ये रेसिमाइजेशन है. रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन की मेरे को लगता है स्पेलिंग भूल गई हूँ,
मेरे साथ ऐसा होता है, मैं एक्चुअली स्पेलिंग्स बहुत फ्रिक्वेंटली भूल जाती हूँ, तो मुझे याद नहीं रहता कि ओके तो लिख लिया वैसे मैंने रेसमाइजेशन, होप सो सही लिखा। ओके नाउ तो इसको कहेंगे रेसमाइजेशन हो रहा है। रेसमाइजेशन का मतलब है कि आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, फ्रंट वाले भी और बैक वाले भी। ऑल्दो ये डेफिनेशन बहुत इनकम्प्लीट है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन के लिए हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। फिलहाल मैं उस टॉपिक को भी टच नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ मैकेनिज्म्स बता रही हूँ। तो आपने ध्यान रखना है कि SN1 के अंदर आपको रेसमाइजेशन मिलती है, आपको दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि अटैक फ्रंट से भी हो सकता है और बैक साइड से भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्वर्जन ही मिलेगी। अच्छा एक और बात, अगर अटैक अगर आपका ग्रुप जो है चेंज हो जाए, मतलब ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पे फ्रंट में था और यहाँ पे बैक में हो जाए, तो उसको तो इन्वर्जन कहते हैं। अगर सेम रहे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन का मतलब है कि भाई जो पहले जैसा था वो वैसा ही है, तो ये रिटेंशन है, टेंशन, और ये इन्वर्जन है, और दोनों मिलके रेसमाइजेशन कहलाते हैं। रिटेंशन भी हो रही है और इन्वर्जन भी हो रही है। तो रिटेंशन मतलब जो ग्रुप जहाँ था, ग्रुप की पोजीशन आपने चेंज नहीं की, पहले न्यूक्लियोफाइल फ्रंट में था, अभी भी फ्रंट में है, मगर इन्वर्जन का मतलब है कि पोजीशन चेंज हो गई, पहले ग्रुप फ्रंट में था, बैक में हो गया, या पहले बैक में था, फ्रंट में हो गया, जो भी है। ओके तो रिटेंशन भी हो रही है, इन्वर्जन भी हो रही है, बेसिकली रेसमाइजेशन हो रही है। ओके नाउ अब चलते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हमें कवर कर रहे हैं। देखिए वही जो हमने पहले पढ़े थे SN2 में, उनको SN1 के लिए भी पढ़ रहे हैं हम, बस ऑब्वियसली पॉइंट चेंज हो जाएंगे। पहली बात, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वहाँ पे जो अटैक है, हम देख लेते हैं क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफाइल अटैक जो होता है बैक साइड से करता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक से भी कर सकता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैन टेक प्लेस फ्रॉम बोथ फ्रंट एंड बैक। पहली बात। दूसरी बात, जो SN2 रिएक्शन हुआ करती थी वो एक स्टेप में होती थी, पर ऐसा यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे दो स्टेप है। पहले स्टेप में कार्बोकोटाइन बनेगा और दूसरे स्टेप में हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, यानी कि इट इज़ टू स्टेप रिएक्शन या टू स्टेप मैकेनिज्म। ओके नाउ इसके अलावा, अच्छा रिएक्शन जो है वो, क्योंकि दो स्टेप है तो आपको कोई एक स्टेप देखना पड़ेगा जो स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप ये, और रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये स्लो स्टेप है तो रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगी। अगर आप बेसिकली रेट इसी पे डिपेंड करेगा, और अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो अगले स्टेप में आया था, है ना, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्योंकि इसमें एक ही रिएक्टेंट है तो जो रेट होगा उसे इसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं, तो रेट ऑनली डिपेंड ऑन एल्किल हैलाइड। अब क्योंकि सिर्फ ये एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिमोलिकुलर है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑर्डर वन है इसका, एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है। ओके नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको रिटेंशन भी मिलती है, इन्वर्जन भी मिलती है, तो आपको रेसमाइजेशन मिल जाती है। तो लिखने में हम लिख सकते हैं कि वी गेट रिटेंशन, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इन्वर्जन भी मिलती है, और मोर स्पेसिफिकली रेसमाइजेशन, वी गेट रिटेंशन इन प्रोडक्ट या रेसमाइजेशन। ओके दिस आर बोथ रिटेंशन इन्वर्जन एक्चुअली। नाउ अब चलते हैं कि रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे। देखिए पहले वाले SN1 में हमने कहा था कि जो रिएक्टिविटी होती है वो क्राउडिंग पे डिपेंड करती है, कि अगर क्राउडिंग ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा, यानी कि हमारे पास रिएक्शन स्लो हो जाएगी, है ना। तो मोर इज़ अ क्राउडिंग, लेसर इज़ अ रिएक्टिविटी, पर यहाँ पे क्राउडिंग का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ही नहीं रहा पहले, वो तो बाद में अटैक कर रहा है जब न्यूक्लियोफाइल पहले वाला चला गया। तो रिएक्टिविटी यहाँ पर क्राउडिंग पे डिपेंड नहीं करती, तो फिर किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअली ये जो कार्बोकोटाइन बना है इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो रिएक्टिविटी
डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी. ओके ऐसा कैसे? देखिए रिएक्शन पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है. कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा मतलब प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा, रिएक्टेंट की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी कि भाई जल्दी से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्ट में जाने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो उसकी कोशिश रहेगी ना कि वो जल्दी चला जाए. तो कार्बोकैटायन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, फास्टर इज द रिएक्शन. ये किसी भी टाइप के रिएक्शन के लिए पूरी तरीके से ट्रू है बात. प्रोडक्ट जितना स्टेबल होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, क्योंकि उसको पता है कि प्रोडक्ट में जाने के बाद उसको स्टेबिलिटी मिल रही है. अगर आप इसका उल्टा सोचो, प्रोडक्ट जितना अनस्टेबल होता है रिएक्टिविटी उतनी स्लो होती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, तो भाई क्यों जाएगा वो अपना नुकसान करना, इसीलिए वो रिएक्शन को स्लो कर देता है. ठीक है, तो द पॉइंट इज़ कि रिएक्टिविटी यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रही है. और अगर आपको याद हो कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसका ट्रेंड होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th में कार्बोकैटायन बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं, वरना अगर आपको नहीं पता होगा तो मुझे बता देना. कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है. तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम ही चलेगा, यानी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन रिएक्टिविटी ऑफ RX 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री का RX होगा तभी तो 3 डिग्री का कार्बोकैटायन देगा. ठीक है, तो 3 डिग्री के अल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बोकैटायन बनता है वो 3 डिग्री का होता है, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ हाईली स्टेबल. ठीक है, तो अगर हम इसको समराइज़ करें दोनों पॉइंट्स को, SN1 और SN2 के पॉइंट्स को, तो बात ये बनती है रिएक्टिविटी से रिलेटेड. रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, कि भाई देखो SN2 में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन रिएक्टिविटी ऑर्डर ना स्टेबिलिटी, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री. अल्किल हैलाइड RX की बात कर रहे हैं, मगर SN1 में ये उल्टा हो जाता है. SN में 3 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री अल्किल हैलाइड. ये आपको हमेशा याद रखना है, अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी देख रहे हैं. ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आप उनसे पूछो कि भाई अगर आपके पास है अगर आपके पास ये, तो ये SN1 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा कि SN2 में ज़्यादा रिएक्टिव होगा? देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको अलाइल कहते हैं, अलाइल हैलाइड. अब अलाइल हैलाइड क्या होते हैं, कि अलाइल हैलाइड होता है डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को अलाइल कार्बन कहते हैं. दोबारा सुनिए, डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन, और साथ में तो यहाँ पे भी है पर यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ही है, साथ वाले जो सिंगल बॉन्ड कार्बन है उसको अलाइल कहते हैं. तो ये वाले कार्बन आपकी अलाइल है, अलाइल. और अलाइल पे जो हैलाइड लगा होगा वो तो हैलाइड होगा ही, खैर, तो उसका नाम हुआ अलाइल हैलाइड. अलाइल हैलाइड की पहचान क्या है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन अलाइल है, और उस अगर वहाँ पे हैलोजन लगा है तो उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड. देखिए अलाइल हैलाइड वैसे का UPSC नेम भी है, ऐसी बात नहीं है, मगर इसको कॉमन नेम इसका अलाइल हैलाइड है. अगर आप अलाइल हैलाइड की बात करें तो ये SN1 में जाएंगे कि SN2 में जाएंगे, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव किस में होंगे, तो ये हमेशा SN1 फॉलो करेंगे, क्यों फॉलो करेंगे. देखिए बात सारी ये है कि जो कार्बोकैटायन है वो रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि जो SN1 है इसमें रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज द मेन फंडा. रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जबकि SN2 में रिएक्टिविटी का कार्बोकैटायन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां तो कार्बोकैटायन बनता ही नहीं. तो हेयर रिएक्टिविटी डिपेंड ऑन लेस क्राउडिंग, क्राउडिंग जितनी कम होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी. ओके, तो अलाइल हैलाइड में जब कार्बन क्लोरीन रिलीज होगा तो हमें मिलेगा CH2 पॉजिटिव, और ये जो मॉलिक्यूल है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है. तो जो कार्बोकैटायन हमें मिला है वो रेजोनेंस से स्टेबल है. अब क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबल है तो ये हमेशा SN1 में जाएगा.
कैसे रेजोनेंस टेबल टेबल एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। आप इसे इधर ले जाओ। होप सो आपको रेजोनेंस ड्रॉ करने आते हैं, हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़े हैं ये, तो आपको आने चाहिए ये। तो यहाँ पे इसके रेजोनेंस बन रहे हैं, तो क्योंकि रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल है तो कार्बोकटाइन हाईली स्टेबल है, कार्बोकटाइन स्टेबल, इसीलिए हमेशा ये SN1 देगा ना कि SN2 देगा। ओके नाउ एक लास्ट पॉइंट रह गया हमारा कि भाई हाइड्रोजन का फ़र्क पड़ता है क्या? हाँ जी बहुत पड़ता है। तो अगर आपके पास है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबसे जल्दी रिएक्शन कौन देगा, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? देखिए रिएक्शन में एक बात तो तय है कि आपको बॉन्ड ब्रेक करना है ना, तो जो जल्दी बॉन्ड ब्रेक करेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें कम एनर्जी चाहिए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और बॉन्ड वीक होना चाहिए, क्योंकि बॉन्ड अगर वीक होगा वो जल्दी ब्रेक होगा, कम एनर्जी लगेगी और वो फास्ट रिएक्शन देगा। तो अगर आप इन अलग अलग हाइड्रोजन्स को देखो तो आयोडीन का सब साइज सबसे बड़ा है जब आप इस तरफ जाते हैं। ओके तो अगर आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो हाइड्रोजन का साइज इंक्रीज़ करेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करेगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके और अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा, यानी कि आपका मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी हेयर इंक्रीजेज। ओके नाउ होप सो आपको समझ आ गया हो ये सब SN1 और SN2। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।